गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है शिमला मिर्च आलू। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शिमला मिर्च चाहिए, आलू चाहिए, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और टमाटर, साथ ही साथ हमारे मस्टर्ड ऑयल और साथ में मसालों की ज़रूरत है। गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दिया है और अब जब तक ये गर्म नहीं हो जाता हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। मैं आप लोगों को एक टिप भी बताऊंगी कि अगर ये मस्टर्ड ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर ले, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। कच्चे रहने से आपकी जो सब्जी में है फ्लेवर अच्छे से नहीं आ पाता। तो आप इसको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से गर्म कर लें। जब तक हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इससे धुएं निकल रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि अब ये सरसों का तेल हमारा कच्चा नहीं है, पक चुका है। तो अब हम इसमें अपनी पहले गैस की आंच को धीरे कर देंगे, नहीं तो ये हमारे ऊपर छींटे आ सकती हैं। अब हम इसमें अपनी टमाटर की प्योरी जो हमने ग्राइंड की है वो डाल देंगे। आप पीछे रहें, नहीं तो इसकी छींटे आप पर भी आ सकती है। टमाटर जो है वो छींटे छोड़ता है। अब हमें इसे टमाटर को पकाने का इंतज़ार करना है। हम अब आंच को बढ़ा देंगे क्योंकि अब तो टमाटर इसमें डल चुके हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मसाले भी डाल देंगे अपने। ये हमारे मसाले हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और फिर इन मसालों को आप मिला लीजिए। अब आपको इंतज़ार करना है कि आपके टमाटर तेल कब छोड़ते हैं। जब तक वो तेल नहीं छोड़ेंगे तो मतलब है आपका अभी टमाटर अभी अच्छे से पका नहीं है। और तब तक मसाले भी टमाटर के साथ अच्छे से मिल जाएंगे। आप इसमें अगर चाहें तो किचन किंग मसाला, मैजिक मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। मसाला हमारा पक चुका है और मैंने यहाँ पे मीनवाइल तब तक शिमला मिर्च और आलू दोनों काट लिए। आपने आलू ऐसे काट लेने हैं और शिमला मिर्च भी आप ऐसे चकोर में काट सकते हो, जो भी साइज आप चाहो काट सकते हो, छोटी बड़ी जैसे आपके घर वाले और आप लोग खाते हो वैसे आप अपने हिसाब से काट सकते हो। अब इस मसाले में हम अपनी सब्जी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सब्जी अच्छे से हिला दी है।
आप भी अपनी सब्जी को अच्छे से हिला लें। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ना शक्ल से। अब हम इसको भाप भाप में पकाएंगे। तो अब हम इसे प्लेट से ढक देंगे और अपनी गैस की आंच को धीरे कर दीजिए। ये कम से कम 5-10 मिनट लेगी पकने के लिए, भाप भाप में पकने के लिए। तब तक हम इसका इंतजार करते हैं। अब गाइस 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं अपनी सब्जी को चेक करने आ गई हूँ। अभी ये बनी नहीं है, इसको भी टाइम लगेगा, पर आपको बीच बीच में इसको सब्जी को चेक करते रहना, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। गाइस मैं इनको इस सब्जी को 2 बार चेक कर चुकी हूँ पहले, और अब मैं इसको अब तीसरी बार चेक कर रही हूँ। तो ये बस आप इसको ऐसे आलू को लेकर पकड़ के देख सकते हैं कि आपकी सब्जी जो है वो पकी है कि नहीं। ये अभी इसमें बस 2 मिनट की कसर बाकी है, बाकी ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तब तक हम इसमें अपना थोड़ा सा गरम मसाला लेकर इसे ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि ये सब्जी में थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप एंड में डालें गरम मसाला और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बस ये बन गई है, 2 मिनट और लगेंगे, हम 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर 2 मिनट बाद हम इसको देख लेंगे। गाइस अब ये सब्जी हमारी देख लेते हैं, ये अब अच्छे से परफेक्टली कुक हो गई है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अपनी चिपकी नहीं है, खिली खिली हमारी सब्जी बनी है। देखिए तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी शिमला मिर्च आलू बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, खिली खिली बिना चिपकी हुई। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।